हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टाइप में हम मोर फंक्शंस के टूल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, आज हम एमएस एक्सेल में फॉर्मूला टैब में हम स्टैटिस्टिकल लिस्ट के बारे में जानेंगे जो मोर फंक्शंस में आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो में आप बने रहिए। चलिए गाइस, आज हम एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब में हम मोर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हमारा देखिए, मोर फंक्शन में स्टैटिकल इंजीनियरिंग क्यूब और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इन सब की एक अलग अलग लिस्ट है। देखिए, आप देख पा रहे हैं आप, है ना। तो हम सबसे पहले स्टैटिकल के बारे में स्टडी करेंगे, क्लियर। तो गाइस, इसमें तो देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसमें हमारा जो काम का है हम उसको एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा फर्स्ट में एवरेज आता है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए एवरेज को। अब यहाँ पे आपको एक आपको सेटअप मिल गया एवरेज का, यहाँ पे से आपको एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पर से, मान लीजिए मुझे इतने का एवरेज निकालना है, ये 6 तक का, ठीक है। तो मैंने यहां तक को सेलेक्ट कर लिया है रेड में और यहां पर से मैं क्या कर देता हूं, इसको ओके कर देता हूं। तो देखिए, यहां पे हमारा 3.5 एवरेज बता रहा है 6 तक का, ये यहां तक का इसका एवरेज बता रहा है 3.5, क्लियर गाइस। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं। इसके बाद में हम मोर फंक्शन में स्टैटिकल में जाएंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं, देखिए हमारा एवरेज हो चुका है, एवरेज या, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, सेलेक्ट किया हमने यहां पर से, हम फिर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम यहां पे ओके कर लेते हैं। तो देखिए, इसका हमारे एवरेजिया में इतना शो कर रहा है, ये नंबर है इसका 6 डिजिट तक, ठीक है ना। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं, 2 पॉइंट में है ये। मान लीजिए हम इसका एवरेज या लेते हैं 6 डिजिट तक, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए 6 डिजिट तक और यहां पर साथ इसे ओके कर दीजिए। देखिए 3.5, ठीक है ना। तो दोनों का लगभग सेम ही आउटपुट हमें दे रहा है यहां पर, क्लियर गाइस। चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं। इसके बाद हम जाते हैं स्टैटिकल, यहां पे से हम काउंट में जाएंगे, ठीक है। काउंट को हमने क्लिक किया। अब देखिए, काउंट में हम क्या करते हैं, इसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक जगह से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या कर देते हैं, देखिए हम इसको सेलेक्ट किए हैं
तो हम यहीं पे बता दे रहा है 33 है काउंट करके, तो ये सभी 33 हो रहा है काउंट करके 33। आप ओके करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा काउंट का। अब जाते हैं हम काउंट, हो गया हमारा काउंटा, ठीक है ना। काउंटा में हम गए तो हम इसमें आते हैं इस बार, ठीक है। ये वाला हम इसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं काउंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 27 बता रहा है, ठीक है ना। इसमें कुल टोटल 27 बता रहा है, ठीक है। मैं इसे और अच्छे से बताता हूं आपको। देखिए यहां पे हमारा अगर हम काउंटर करते हैं, तो एक काउंटर होके हो रहा है हमारा 21 आ रहा है, क्लियर। अगर मैं इसे ओके कर दूं तो यहाँ पे 21 आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसमें क्या कर देता हूँ, काउंटर फंक्शन लगा है हमारा, और मैं यहाँ पे जे, इसमें के, यहाँ पे एच, इसमें जी डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए काउंटर फंक्शन में हमारा तुरंत ये 21 से 33 हो गया, ये 24, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, काउंटर में हमारा जो कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर को भी गिनता है। काउंट से काउंट होगा नंबर्स, काउंटर से वो जो है नंबर के साथ कैरेक्टर जो ABCD है, जो भी लिखा हुआ रहता है कैरेक्टर टेक्स्ट, उसको भी काउंट करके बताता है। तो ये काउंट और काउंटर में अंतर हो जाता है, क्लियर। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं। अब इसके बाद हम जाते हैं मोर फंक्शन में ही, स्टैटिक काउंट ब्लैंक। अब इसके बाद हम जाते हैं काउंट ब्लैंक में। काउंट ब्लैंक में देखिए आप, मैं इसको एक इमेज में आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए इसमें हमारा बैंक ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमारा ब्लैंक दिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं पूरा, तो देखिए यहां पे ब्लैंक को ये काउंट करके बता दे रहा है। मैं इसे ओके कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा 9 ब्लैंक है, मैं इसे डिलीट करता हूं। देखिए आप 10 हो गया, फिर डिलीट किया इसे 11 हो गया, और फिर डिलीट किया तो इसे 12 हो गया। अब देख पा रहे हैं काउंट ब्लैंक में क्या होता है, हम जितने भी डिलीट करते जाएंगे वो काउंट ब्लैंक उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्लियर गाइस। तो ये तो हो गया हमारा काउंट ब्लैंक का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसे डिलीट कर रहा हूं मोर फंक्शन में, स्टेटिस्टिकल में काउंट इफ, ठीक है ना। हम काउंट इफ में जाते हैं, यहां पे देखिए मैं एक काम करता हूं, एक रेंज दे देता हूं, ठीक है। यहां तक का मैंने रेंज दे दिया, ठीक है, या फिर ज्यादा अच्छा होगा मैं इसमें रेंज दूं, इसमें
ठीक है ना। तो मैं इसे साइड कर लेता हूँ और इसमें वो रेंज दे दे रहा हूँ। एक मिनट, ये जो है यहाँ पर से आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया रेंज, ठीक है ना। क्राइटेरिया में हम क्या दे देते हैं, एट दे देते हैं, ठीक है ना, एट। तो देखिए क्राइटेरिया हमने जैसे दिया एट, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है हमारा इस लिस्ट में, इस रेंज में एट जो है मात्र दो है। मैं मान लीजिए फोर को देता हूँ, ठीक है ना। तो फोर दे रहा हूं, तो यहां पर से वो रेंज से बता दे रहा है इस रेंज में फोर जो है केवल थ्री है, यहां यहां और यहां, ठीक है। तो मतलब ये ये रेंज हो गया हमारा ये पूरा, और ये उसका क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया दे दिया हम फोर, मान लीजिए मैं देता हूं वन, तो वन को भी बता दे रहा है वन हमारा कितना, तीन जो है इस रेंज में। तो ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ओके कर देंगे, ये देखिए तो यहाँ पे आउटपुट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब जाते हैं हम यहाँ पर से डिलीट काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ, यहाँ भी आप क्या करेंगे वैसा ही है, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज हमने दे दिया है, और यहाँ पे क्राइटेरिया वन में हम जाते हैं और इसमें हम टेन को ले लेते हैं। देखिए हमने क्राइटेरिया दे दिया टेन, तो टेन हमारा कितना है इस लिस्ट में, केवल दो है, देखिए ठीक है ना, दो है। हम यहाँ पर से ओके कर देंगे। अच्छा मान लीजिए मैं सिक्स ले रहा हूँ, तो सिक्स हमारा वन, टू ले ले रहा हूँ तो टू हमारा केवल दो है, इलेवन ले रहा हूँ तो इलेवन हमारा थ्री है, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए तो आप ओके कर लीजिए, तो यहाँ पे आउटपुट हमें इस तरह से मिल जाएगा। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, हमारा काउंट इफ्स भी हो गया। इसके बाद में हम जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम को मैंने लिया, ठीक है। अब यहां पर से देखिए यहां पे मैंने इसे एक सेलेक्ट किया, ठीक है ना। और इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद में देखिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर से हम क्या करना है, हमको मैक्सिमम नंबर को देखना है। तो यही भी बता दिया इस रेंज में, भैया इस रेंज में आपका मैक्सिमम नंबर 555 है, जो सबसे ज्यादा है, देखिए, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम जो रेंज हम निर्धारित किए हैं उसमें हमारा 555 को मैक्सिमम नंबर से शो कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम जाते हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे मैक्सा, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं मैक्सा में, मैक्सा में यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर 555 हमें शो कर रहा है। क्लियर गाइस, मैक्सा में हमारा जो मैक्सिमम नंबर है उसको 555 को यहाँ पे शो कर रहे हैं। क्लियर।
मैं मान लीजिए यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी डाल देता हूँ, ठीक है ना, कैरेक्टर डाल दिया। अब मान लीजिए मैं वही फंक्शन को फिर अप्लाई करता हूँ, मैक्सा, यहां से यहां तक का पूरा रेंज ले लीजिए, ये देखिए 555, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में यहां पे वो मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम जाते हैं मोर फंक्शन स्टेटिस्टिकल में। हमारा मैक्सा मैक्स, उसके बाद हमारा आता है मिनिमम, ठीक है ना। हम मिनिमम को ले लेते हैं, यहां पे हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया इस ग्रीन को, ठीक है। यहां पे हम देखिए हमारा हमको मिनिमम नंबर को खोल सर्च करना है, मिनिमम नंबर को देखना है। तो इस लिस्ट में देखिए यहीं पे बता रहा है -7, ये लिखा है वो सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है। तो मिनिमम संख्या यहाँ पे वो शो कर दे रहा है, इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें -7 मिल जाता है, क्लियर। तो ये हमारा मिनिमम नंबर का हो गया। फिर हम जाते हैं मीना का मिनिमम अकाउंट, मिनिमम ए का। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ भी आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज दे दीजिए, और रेंज देने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे -7 जो हमारी सबसे छोटी संख्या है उसको शो कर रहा है। आप ओके करेंगे तो हमें -7 जो छोटी संख्या है उसको शो कर देगा, क्लियर। चलिए इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए मोर को देख लेते हैं। यहां से मैंने इस नंबर का मोर लिया 3434 का, तो देखिए हमारा इसका मोर 3 आ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं मोर को इतने का ले रहा हूं, तो देखिए हमारा मोर जो है 10 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मोड जो है जैसा आप लेंगे वैसे चेंज होते रहेगा, ठीक है। ओके करेंगे तो वापस आ जाएगा, क्लियर। चलिए डिलीट करता हूँ मैं, मोड भी हमारा हो चुका है। VAR, ठीक है ना। इसे हम एक रेंज से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इतना को रेंज सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए हमारा आउटपुट इस प्रकार से आ रहा है। अगर मैं इसे ओके कर दूंगा तो इसका आउटपुट हमें यहां से मिल जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार है हमको रेंज सेट करना है, रेंज सेट करेंगे तो हमारा इसका आउटपुट मिल जाएगा VAR का, क्लियर। ठीक है गाइस, तो हमारा मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल में हमारा इतने ही सब कुछ था, बाकी तो है बहुत सारा लेकिन काम का नहीं है तो उसको क्या करेंगे गाइस, ठीक है ना। जो हमारे काम का है उसको हम पहले देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये स्टैटिस्टिकल का है। इसके बाद में अगला वाला इंजीनियरिंग का बता दूंगा और इंफॉर्मेशन का भी बता दूंगा।
गाइस आज हम फार्मूला टैब में मोर फंक्शंस में इंजीनियरिंग के लिस्ट के टूल्स को हम जानेंगे कि उनके फंक्शंस इंजीनियरिंग के फंक्शंस क्या क्या और कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस इंजीनियरिंग में हम जो कॉम के टूल्स हैं उनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। एम कॉस में देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 45, यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू शो करेगा। क्लियर 30, तो इस प्रकार से हमें वो नंबर शो करेगा। आप ओके कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद में हमारा एलएन को देखें, IMLN को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 20 का मान दे देता हूँ मैं। तो देखिए 20 में हमारा मान इतना आ रहा है एलएन में, IMLN में। यहाँ पर से मैं इसे 10 दे देता हूँ तो 10 में हमारा मान इस प्रकार से आएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाता है। क्लियर। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग में जाके ये डिवाइड है DIV, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 कर देते हैं और यहाँ पे हम 4 कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। मान लीजिए मैं इसे 24 कर देता हूँ और इसे 12 कर देता हूँ। तो देखिए 12 × 24, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 6 कर दूँ 6, तो हमारा 4 डिवाइड कर रहा है। क्लियर। आपको चाहिए तो आप ओके कर दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। लॉग 10 का देखिए, यहाँ पे देखिए मैं अगर लॉग 10 का मान देता हूँ तो 1 आता है ऑब्वियसली, आप जानते हैं, ठीक है ना। लॉग अगर हम 20 कर देते हैं तो इस प्रकार से डेसिमल में हमारा नंबर आएगा 1.30 इस टाइप से, ठीक है। जो भी आप लॉग की वैल्यू देंगे वहाँ पे वो आते जाएगा। चलिए अगर आपको रखना है तो आप ओके करेंगे, नहीं तो आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इन पावर में देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 दे देते हैं और यहाँ पे हम पावर में क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4³ हो रहा है एक्चुअली, ये 4³ है, 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 और 16 × 64 जो आउटपुट हमें मिला हुआ है। मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ तो देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, इस प्रकार से हमें आउटपुट मिलेगा। रखना है तो आप ओके कर दीजिएगा नहीं तो कैंसिल। ये रियल, ठीक है ना। यहाँ पर से देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 78, तो 78 का 78 आ ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 50 कर देता हूँ तो 50 का 50 आएगा। ओके करूँ तो आ जाएगा, ठीक है ना। इसे डिलीट कर देता हूँ, रियल का रियल नहीं नंबर आता है। इन प्रोडक्ट ये इस प्रकार नंबर है, इसमें आप 8 कर दिया है मैंने, यहाँ पे
फोर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए इसका आउटपुट हमें 32 आता है, ठीक है ना। तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन करके ले आता है आंसर, क्लियर। रखना है तो आप रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। एसक्यूआरटी देखिए, एसक्यूआरटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 81 टाइप कर देते हैं। तो 81 का हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि ये 9 का एसक्यूआरटी है, ठीक है ना। इसका वर्गमूल 9 होता है, 9 गुणा 81। मान लीजिए मैं 81 की जगह क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 मिल जाता है, 4 × 16, ठीक है ना। तो ये IMSQRT, ये अगर आपको ओके करना है तो आप ले आइए, इस प्रकार आपको आउटपुट मिल जाएगा उसका। रखना है तो रखिए, नहीं तो डिलीट। IM सम फंक्शन लेते हैं, आप देखिएगा अब इस पे क्या होता है। मैंने एक में 2 लिया और दूसरे में 4 लिया और तीसरे में 4 ले लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर से मैंने फिर अगला 4 ले लिया, हमारा आउटपुट 10 आ रहा है। ओके करता हूँ मैं यहाँ से, ये देखिए, ठीक है ना। आपको सेकंड वैल्यू लेना जरूरी है यहाँ पे, सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं। गाइस, जो हमारा काम का था इंजीनियरिंग में वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला टूल्स करेंगे, अगला फंक्शंस, ठीक है। चलिए गाइस, आज हम एमएस एक्सेल के मोर फंक्शंस टूल्स में आज हम इंफॉर्मेशन लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक जगह क्लिक किया, मोर इन्फॉर्मेशन यही देखे इस इवेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो संख्या है, ठीक है ना, ये मैं, ठीक है, ये 88 है, 88 को ले लिया। तो यहाँ पे वो बढ़ रहा है, देखिए 1 से शो कर रहा है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पर हो रहा है। ट्रू है तो 1 और फॉल्स है तो 0, क्लियर, ये सही है। अगर मैं 2 में कर रहा हूँ तो इवन नंबर हमारा सम होता है, तो सम को जो है 1 से शो कर रहा है, क्योंकि 1 हमारा ट्रू है, ठीक है ना। अगर मैं देखिए 7 कर रहा हूँ तो हमारा 0 बता रहा है, 0 हमारा फॉल्स होता है, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ट्रू और फॉल्स से बता रहे हैं, 1 हमारा ट्रू है और फॉल्स हमारा 0 है, क्लियर। अगर आपको चाहिए तो आप ओके करिए, अदरवाइज कैंसिल। देखिए ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स में बता रहा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस लॉजिकल को देख लें एक बार हम, यहाँ पे देखिए मैंने इस संख्या को ले लिया, फॉल्स में हमारा ये शो कर रहा है 1 डिजिट, यहाँ पे हमारा देखिए 1 से शो कर रहा है ट्रू में, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए करता हूँ तो फॉल्स में यहाँ पे हमारा इसी में टोटल डिलीट करता हूँ और फिर दोबारा से 1 हमारा फॉल्स हो रहा है,
मैं इसको एक्स ज़्यादा लेता हूँ तो फॉल्स हो रहा है। ये देखिए यहाँ से फॉल्स को शो कर रहा है। यहाँ पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद में देखिए इस नंबर में देखिए यहाँ पे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो फॉल्स। यहाँ पे मैं बन लेता हूँ तो ट्रू ट्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रू हो रहा है। ठीक है ट्रू हो रहा है हमारा क्योंकि ये नंबर है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे से इसमें करता क्लिक या यहाँ पे मैं कोई कैरेक्टर लिख देता हूँ। ठीक है ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे मोर फंक्शन में गया इंफॉर्मेशन में मैंने इस नंबर में मैंने अगर इसे सेलेक्ट किया तो देखिए फॉल्स बता रहा है। इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ट्रू बता रहा है मतलब ये हमारा नंबर है और ये हमारा नंबर नहीं है फॉल्स में शो कर रहा है। ठीक है ना इस प्रकार से इसका आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है यहाँ पे हमारा ट्रू में और यहाँ पे हमारा फॉल्स में। ठीक है यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करता हूँ। चलिए अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंफॉर्मेशन में गए इज ऑड। इज ऑड में क्या है ये विषम संख्या का है विषम संख्या को इंडिकेट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये फॉल्स बता रहा है जीरो ये विषम संख्या नहीं है दो विषम संख्या नहीं है। अच्छा मैं तीन में कर रहा हूँ तो ट्रू बता रहा है ट्रू मतलब वन ट्रू मतलब वन तो यहाँ पे वो सम संख्या को बता रहा है और दो में हमारा विषम संख्या को फॉल्स बता रहा है। क्लियर है इसको मैं बाहर निकलता हूँ इससे। इस टेक्स्ट देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट है यह तो यहाँ पे फॉल्स बता रहा है ये टेक्स्ट नहीं है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ट्रू बता रहा है क्यों क्योंकि ये टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिखा है वाई टी वाई ऐसे करके तो इस पर यहाँ पे ट्रू बता रहा है। क्लियर चलिए तो ये ट्रू और फॉल्स है हमारा इसको फॉल्स में नंबर को फॉल्स में और टेक्स्ट को ट्रू में बता रहा है। क्लियर चलिए बाहर निकलते हैं। एन ठीक है यहाँ पे मैंने दो में क्लिक किया देखिए नंबर को ही शो कर रहा है। यहाँ पे से सिक्स एज इट इज जो नंबर है बिल्कुल वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है और कुछ नहीं है इसमें ओके कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए बाहर निकलते हैं। एन ए नहीं काम कर टाइप मैंने इसे टाइप किया टू में इंडिकेट कर रहा है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो वन में टू में चलिए मैं कुछ और लिख भी देता हूँ यहाँ पे लंबा कैरेक्टर मैंने इतना लंबा लिख दिया मान लीजिए कुछ और इस पे जाता हूँ और मोर इन्फॉर्मेशन फिर टाइप में आता हूँ। टाइप में देखिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे इसे एक मिनट वो सेलेक्ट रहा फिर से दोबारा हम जाते हैं और इस पर टाइप में जाके इसे सेलेक्ट करेंगे तो भी हमारा देखिए कैरेक्टर को जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हमेशा दो से ही प्रेजेंट कर रहा है वो और जो नंबर है उसको वन से। ठीक है ना टेक्स्ट को दो से और नंबर को वन से। ठीक है देखिए लॉजिक और टेक्स्ट टू में और नंबर वन में। क्लियर अगर आपको चाहिए तो आप ओके करिए नहीं तो कैंसिल। ठीक है तो देखिए गाइस ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन वाला था मोर फंक्शन से वो कंप्लीट होता है।
उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।